नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर 15 लाख की बाइक पर सवार विदेशी कंपनियों में बतौर लीगल एडवाइजर कार्यरत ऋषभ गुलशन की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब नामी कंपनियों की बाइकों पर सवार एक ग्रुप उदयपुर से घूमकर वापस दिल्ली लौट रहा था। इस दौरान हाईवे पर बने गड्ढों में बाइक फंसने से असंतुलित हुई और फिर पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बावल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से दिल्ली के लाजपत नगर निवासी 45 वर्षीय ऋषभ गुलशन फिलहाल गुरुग्राम में रहते थे। ऋषभ अमेरिकन सहित कई अन्य विदेशी कंपनियों में बतौर लीगल एडवाइजर कार्यरत थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को 11 दोस्तों के साथ ऋषभ राजस्थान के उदयपुर के लिए घूमने निकले थे। 11 साथियों के पास महंगी कीमतों वाली 9 बाइकें व एक कार थी। कार में उनकी हेल्प के लिए 2 लोग सवार थे और सभी लोग 2 अक्टूबर की रात उदयपुर से वापस दिल्ली लौट रहे थे। अब आगे आपको दिखाते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर ASI प्रीत कुमार ने क्या कहा। उसमें ये बाइक वाले है ना, अपनी बाइकों पे आ रहे थे, जो रेसलिंग वाली बाइक होती हैं, उसमें इनके ऊंचे नीचे रोड होने के कारण वो स्लिप हो गए थे और बाइक से गिर गया था और पीछे से गाड़ी आने वाली थी उसके ऊपर चढ़ गई और उससे सिर वगैरह फट गए, उसके एक्सपायर उसका वारसान बुलाए गए। वारसान बुला करके और उनका जो है पोस्टमार्टम करके और खास वारसान हवाले किए गए, उचित कार्रवाई अमल में लाई गई। पता नहीं चल पाया उस गाड़ी के बारे में, उन्हें स्पष्ट कह दिया, हम उसका नंबर नहीं देख पाए और अपने लिखित में संतोषजनक अपनी कार्रवाई कराकर वापस चले गए।